देवास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहाँ के सांसद महेंद्र सोलंकी को एक अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दे दी। अज्ञात व्यक्ति ने सांसद को कॉल कर जान से मारने की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक सांसद जी को शुक्रवार सुबह करीब 11:40 बजे अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉलर ने ये कहते हुए धमकी दी कि आजकल तुम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बहुत वीडियो बना रहे हो, तुम्हें खत्म कर दूंगा। सांसद ने इसकी शिकायत देवास SP से की है। सुबह मैंने अपने तिलक नगर निवास पर स्टडी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी 11:40 पर एक अज्ञात नंबर से मुझे कॉल आया और उस नंबर पे सबसे पहले मेरा नाम पूछा कि महेंद्र सिंह सोलंकी बोल रहे हैं। जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, उन्होंने मुझे गाली गलौज करना शुरू किया और कहा कि तुम राष्ट्रवादी और हिंदुत्व की बहुत सारी वीडियो बना रहे हो। तो मैंने इस बात का विरोध किया कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लोग बेचकर, अपनी टीम बेचकर तुम्हें मरवा दूंगा या फिर मैं स्वयं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब मैंने नाम जानना चाहा तो उसने फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन काटने के बाद तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय देवास श्री संपत उपाध्याय जी को सूचना की। वहीं देवास SP ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने आवेदन मिलने के बाद FIR दर्ज कर ली है और CSP के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर दी है। देवास सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी, क्या एक अज्ञात नंबर से फोन आने की बात हुई है जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने धमकाया है और उन्होंने उसमें बात की? इस संबंध में थाना सिविल लाइन में भी आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण के जांच के लिए CSP देवास को लगाया गया है, उनके नेतृत्व में टीम जांच पड़ताल कर रही है कौन व्यक्ति है, किसने घटना। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस नंबर से कॉल आया था वो कानपुर उत्तर प्रदेश का है। वहीं धमकी मिलने के बाद सांसद महेंद्र का कहना है कि उन्हें कोई डर नहीं है, यदि आप देश के लिए काम करते हैं तो इस प्रकार की धमकियां आगे भी मिलती रहेंगी, वो इसकी परवाह नहीं करते। बता दें कि महेंद्र सोलंकी 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में दोबारा देवास शाजापुर संसदीय सीट से सांसद बने हैं और इससे पहले वो जज भी रह चुके हैं। हालांकि क्षेत्र के सांसद को धमकी मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है और अज्ञात कॉलर की तलाश में जुट गई है। देवास से शकील खान की रिपोर्ट, MP तक।